की जानकारी है, आपको क्या लगता है? नहीं है। कौन भाषा आपको नहीं मालूम है? वो ऑस्ट्रेलिया के भाषा में बोलो तो भी समझ लेंगे, और चूंटी के भाषा में बोलो तो भी समझ लेंगे। इसलिए ना ज्ञान और भाषा कोई बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि केवल संस्कृत में ही समझेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है केवल संस्कृत में ही समझेंगे और भाषाओं को समझ नहीं आएगा है? ये तो एक, अब क्या करना है, आप लोग अपने अर्थ लगाइएगा। लेकिन देखिए उस परम शक्ति सत्ता को एक केवल भाषा समझ में आता है जो हृदय से प्रेम और भाव से होता है। कितना भाव से आपका पुकार है, कितना प्रेम से आपका पुकार है, और वह तराजू विश्वनियंता के पास है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ परिणाम तो होता है, दो प्रकार का पुकार भी होता है। नीचे की लाइन क्या कहती है? हर दिन से बोलाई बात कटी है बिपतिया, दिल से बोलाई बात कटी है बिपतिया, दिल से बोलाई बात कटी है बिपतिया। आपको क्या कि हम ऊपर बने बुलाने को, ऊपर मन बोलाई बात होई दूर कटिया, ऊपर मन बोलाई बात होई दूर कटिया, ऊपर मन बोलाई बात होई दूर कटिया। अच्छा प्रश्न ये खड़ा होता है कि ऊपर मन बुलाने से दुर्गति काहे होगी? ऊपरे मन का मतलब जिसमें भाव नहीं, बिना भाव का भजन नहीं वह वृथासन हो जाता है, और बिना भाव का बाजार में कुछ सामान नहीं मिल पाता है, बिना भाव से नहीं रिश्तेदारी नहीं होती खातिरदारी जी, तो विश्वनियंता के पाने खातिर इसलिए होता भाव जरूरी जी। भाव जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक कुछ कहने से फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। यदि माला खरीदते होंगे तो पूछे होंगे ना क्या भाव है, पूछे होंगे पूछे होंगे, बाजार में सामान लेने जाते हैं पूछते हैं ना क्या भाव है। तो सामान संसार में जब सामान भी भाव का नहीं मिलता है, आजकल के तो कुछ बाबा जी लोग भी भाव से ही मिलते हैं है? ये बाबा एक दिन का कितना कथा कहाई लगी होता है ना, एक एक बाबा जी है 12-12 लाख रुपया लेते हैं एक दिन का, है ना, वो पंचक महाराज है सुने नहीं सुने दिव्य आत्माएं, जब वो सब का भाव देखिए, पुकार में भाव जितना गहरा होगा उतना ही उसका प्रभाव अच्छा होगा, ठीक है। तो ऊपरी मन बुलाने से दुर्गति क्यों होती है? जितना देर तक हम मन को कहीं और रखते हैं, तन को सत्संग में रखते हैं, जुबान तो वचन अच्छी बोलती है, काम सुनता भी है, लेकिन दिल से सुनने के न कारण वह उधर से आता है उधर चला जाता है, उतना समय सत्संग में होते हुए भी हम उससे दूर हो जाते हैं। सर्वप्रथम दिव्य आत्माएं सत्संग प्रवचन स्थल तपोभूमि सदगुरु संत किसी के पास जाए तो सबसे पहले समर्पण में पैसा तो समर्पण करे चलेगा, दान पेटी में पैसा न डाले चलेगा, लेकिन दो चीज बिना दिए मत आइए वहां से, एक तो अपना मन और दूसरा दिल की भावना प्रेम का, यही दो चीज से आपको मिलना है, कुछ नहीं सब कुछ मिलना है। इसके बाद जब कोई बात करता है तो चालाकी और फायदे भी रहता है, ठीक है। तो ऊपरी मन बुलाने से दुर्गति इसलिए होती है कि मन जहां हमारा रहता है हमें वहीं से आता है। गंगा जी के तट पर रहेंगे सीधी बात है, तो हवा गंगा से आएगी तो ठंडा लगेगा,
फूल के पास बैठेंगे तो वहां गाएंगे, सुगंध लगेगा। गंदगी के पास बैठेंगे।